चर्चा करते हैं। हमारे साथ है इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर अय्यर, जो एक्सपर्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड में। अय्यर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार अय्यर साहब, आज स्टेटस क्या है, एनर्जी नीड्स क्या है, क्या हम जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो नीड है, डिमांड है, उसको क्वालिफाई करते हैं? देखिए, हमारी अभी बहुत बड़ी विडंबना और मुसीबत हो गई है। देश इस वक्त 240 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी रख रहा है पावर जनरेशन में, परंतु हमारी ये जो पावर जनरेशन है आप चीन के तुलना में लेंगे तो चीन के पास इस वक्त तकरीबन 1000 गीगावाट के ऊपर, मतलब 1100 टेरावाट बिजली है। तो आप दोनों इकोनॉमिक्स की कंपेयर करिए और साइज भी कंपेयर करिए। भारत की इस वक्त 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और चाइना की 7.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। तो इसी तुलना से आप समझ जाएंगे कि हमारी अभी क्या मुसीबत है। तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया का और तकरीबन 1.4 टू 1.5 बिलियन चाइना का। ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, इससे समझिए हम कितने पीछे हैं। और अगर हम चाहते हैं, अगर चाइना को कहते, कम से कम अब से डबल होना चाहिए था, 240 गीगावाट की बजाय हमारे पास 400-500 गीगावाट चाहिए था। तो देश को कम से कम बिजली की जो कमती है, और या बोलते हैं ना जो शॉर्टफॉल है, विच इज कॉल्ड पीक डेफिसिट, इज एटलीस्ट 80 गीगावाट। सो गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ ऑन दिस इश्यू। तो व्हाट इज दिस, आपने कहा कि आपके जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके हिसाब से है कि यू आर एक्सपेक्टिंग 1.2 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में, जहां देश के इन्वेस्टमेंट की बात, 6 times more टू कम एनीवेयर नियर चाइना। And conservative estimate, even if you double this capacity, that is exactly what I am trying to tell you, that if we target 800 gigawatt to 1000 gigawatt by 2032, then we are looking at a minimum investment of 1.2 to 1.3 trillion. And that is at today's cost. In the long run, agar aap dekhenge, to 1.2 trillion bhi main kam bol raha hoon. Main to conservative, aaj ki cost straight line calculation mein bol raha hoon. Isko aap dekhiye, NPV laga ke, to ye kam se kam 4 ya 5 guna hogi. तो देश बहुत बड़ा मार्केट है विश्व के लिए, खाली अपने देश के लिए नहीं। अब नॉर्मल कंज्यूमर्स की बात करें, रिसेंटली एक जजमेंट आया था सीईआरसी की तरफ से कि ये जो टाटा पावर और अडानी ग्रुप को एक बहुत तरीके से उन्होंने बेनिफिट कर दिया है, जो फ्यूल चार्जेस वगैरह है वो कंज्यूमर्स पर ढकेल कर दिया है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो, और 5 राज्यों में चैलेंज करने वाले हैं? बिकॉज एवरी टाइम हम देखते हैं कि कुछ भी अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर्स पे वो भार आ जाता है, द लोड जो है तो कंज्यूमर्स पे होता है। तो इसमें आप कंज्यूमर्स को डिफेंड करते हुए किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा क्लियर इस मुद्दे पे बोलना चाहता हूं कि चाहे टाटा बहुत अच्छी कंपनी है, पहले तो बताना चाहिए, परंतु इस मुद्दे के ऊपर मैं टाटा और अदानी भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इन दोनों के मैं ऑर्डर, इनके फेवर में जो ऑर्डर किया उसके खिलाफ हूं मैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में इन दोनों ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट और उसमें उन्होंने फिक्स्ड टैरिफ किया था। अब जाके वो इंडोनेशिया में हमारे कोल प्लांट का प्राइस बढ़ गया करके वो आ गए और उन्होंने ले लिया, रेगुलेटर ने इसको एग्जामिन ही नहीं किया। मेरी नजर में इनको ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है इंडोनेशिया में, कोल दूसरे दुनिया को बेचेंगे ये, तो जबरदस्ती इंडिया से क्यों पैसा निकाल रहे हैं? तो इनको ये लेना नहीं चाहिए। इस ये ऑर्डर कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इट हैज नो लीगल सैंक्टिटी, और ये देश के अंदर बिजली के भाव फालतू में बढ़ाने का काम हुआ है और उसको 100% 5 स्टेट नहीं और स्टेटों को चैलेंज करना चाहिए। भाई क्यों गुजरात तुमको पैसा दे ज्यादा, क्यों महाराष्ट्र तुमको ज्यादा, जो कंज्यूम करेगा वो ज्यादा पैसा ले, तो अंधी पी से कुत्ता खाए वाली बात हो गई। तो मैं इसमें दोनों ये प्राइस राइज को के खिलाफ हूं मैं, कि इसमें ना अडानी को ना टाटा को ये प्राइस राइज देनी चाहिए। अगर इनसे नहीं होता तो ये दोनों पावर प्लांट एनटीपीसी को दे दो, वो अब चलाएंगे, इनसे ले लो। एक बार अगर ऐसा करोगे फिर दुनिया में कोई भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पलटेगा नहीं। इसमें इन दोनों ने वायलेशन ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इन्होंने फोर्स मेजर कंडीशन बोल दिया। किस तरह का फोर्स मेजर कंडीशन, एसेट आप जब ले रहे थे आपने मूल्यांकन करके उसको कॉस्ट को दिया है, अब आप आके सरकार के सामने अपनी दुखती क्यों रो रहे हैं? अभी जो नया पावर ग्रिड जो पॉलिसी है, ग्रिड कोड, हाँ जी, इसमें आम कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, इसमें बेनिफिट नहीं, कंज्यूमर्स की धज्जियां उड़ने वाली है। आज ग्रिड कोड, आप अमेरिका का ग्रिड कोड लगा रहे हैं और आपकी जो सिचुएशन है, आप सॉरी आई एम सेइंग दिस, आप सोमालिया की तरफ जा रहे हैं। कोई सरकार बदलेगी 2014 में, शायद एक साल में हम ठीक कर लेंगे इसको, लेकिन जो कंडीशन है, आप मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को 16 घंटे आज गांव में बिजली नहीं है, आप ये परिस्थिति में आ रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ग्रिड कोड की। तो ग्रिड कोड आप लगाइए, अच्छा है, लेकिन ये समय नहीं है। सो द रेगुलेटर इज डन अ बिग ब्लंडर, बिकॉज 49.9 हर्ट्स टू 50.05 हर्ट्स जो रेंज है, दिस टाइप ऑफ रेंज कैनॉट बी मेंटेन्ड। इसका मतलब जो यूटिलिटी पावर ड्रॉ करेगी, 8 रुपए से 16 रुपए के बीच में उसको पावर ड्रॉ करना पड़ेगा जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ,
अगर 16 रुपए और 8 रुपए के बीच में पावर टैरिफ होगा परचेस का ऑफ डिस्कॉम्स, तो एंड कंज्यूमर चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे अर्बन हो चाहे डोमेस्टिक हो, उसको तो आप टैरिफ देना पड़ेगा 20 रुपए से 25 रुपया, हो सकता है 30 से 32 रुपए हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को वंचित कर रहे हैं और ऊर्जा गरीबी की ओर इस देश को लेके जा रहे हैं।